नमस्कार, तो मैं हुशान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़े होंगे। सो गाइज, EEEC ने अपने जो सेकंड राउंड है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अभी जो है गाइज, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी की है। कल यानी 8 दिसंबर को इसकी एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसको भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ना के बराबर चेंज होता है, ठीक है। तो लगभग सेम ही रहता है अलॉटमेंट प्रोसेस ना। तो आप इस प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा होगा जो आपकी रैंक है वो आपको देखनी है, ऑल इंडिया रैंक। कैटेगरी रैंक नहीं देखनी है आपको, ऑल इंडिया रैंक देखनी है। और उस पर आपको राउंड टू में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है राउंड टू का, ठीक है। तो राउंड टू वाला चेक करना है आपको, राउंड वन वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट ने क्या है कि राउंड वन के बाद अपग्रेडेशन का चूज किया था, ठीक है, या फिर फ्री एग्जिट ली थी, है ना। तो उस कंडीशन में आपको राउंड टू का ही चेक करना है, राउंड वन का मत चेक कीजिएगा। तो राउंड टू में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, कोर्स आपको दिख रहा होगा, और साथ ही आपको कौन सी कैटेगरी में अलॉट हुआ है। आपकी कैटेगरी अलग हो सकती है, लेकिन आपको कौन सी कैटेगरी में अलॉट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो है आपको बस अपनी रैंक को, जो ऑल इंडिया रैंक है वो उससे चेक करना है आपको अपना रिजल्ट, ठीक है। अभी गाइस जो भी कैंडिडेट जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप लोग कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और साथ ही आपको क्या करना है कि जो जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप उससे खुश हैं, मतलब कि आपको जो अपनी चॉइस का जो कॉलेज मिला है आप उससे खुश हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है 9 तारीख से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है। मैं आपको एक बार वापस से शेड्यूल बता देता हूँ इसका एक बार, ठीक है। तो शेड्यूल आप देख लेंगे तो आगे का जो शेड्यूल है सेकेंड राउंड का रिपोर्टिंग का वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है गाइस वो 9 से लेकर के 17 दिसंबर तक आप कर सकते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में। जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है, दो कंडीशन होती है, या तो आप उस कॉलेज जो जो भी सीट आपको मिली है या तो उससे खुश हैं। तो खुश है तो आप रिपोर्ट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट और अपने जो है जो भी फीस वगैरह है उस कॉलेज की, उसके साथ में आप रिपोर्ट कीजिए कॉलेज में, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दे रखा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप लोग जाएंगे, ठीक है, अपनी फीस के साथ में। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मतलब मुझे जो सीट मिली है मैं नेक्स्ट राउंड में मोपर राउंड में उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो आपके पास मोपर राउंड में भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। आप सिंपली क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट करने के बाद में अपग्रेडेशन का चूज विलिंगनेस शो विलिंगनेस वाला फॉर्म जो है भर देना वहां पर जाकर के, ठीक है। बोल देना कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म भर देंगे। तीसरी जो कंडीशन होती है गाइस वो होती है कि आपको अपनी पसंद की सीट नहीं मिली है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, देखो सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट आपके लिए अवेलेबल है, सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट आपके लिए अवेलेबल है। तो फ्री एग्जिट लेने के लिए क्या करना होगा, काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फ्री एग्जिट के लिए क्या करना होगा। फ्री एग्जिट के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी आपको ना तो रिपोर्ट करना है किसी कॉलेज में, ना कोई तरह का फॉर्म भरना है, सिंपल आप रिपोर्ट मत कीजिए कॉलेज में, ठीक है। उस कंडीशन में आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाता है और आपका सिक्योरिटी मनी वगैरह कुछ भी फॉरफिट नहीं किया जाएगा, आप सिक्योर हो, ठीक है, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मोपो राउंड में नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। अब ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं कि सर अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो उसके बाद में फ्री एग्जिट ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद में आपने विदड्रॉ करिए सीट या फिर रिजाइन किया है, उस कंडीशन में आपकी जो है जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। हालांकि आप मोपो राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है कि आपको फिर से अपना रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करना होगा, और वापस से आपको अप्लाई करना होगा काउंसलिंग में, मोपो राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। यानी कि आपको फॉरफिट किया जाएगा मनी, और प्लस आपको फिर से दोबारा से जो है सिक्योरिटी मनी वगैरह डिपॉजिट करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है मोपो राउंड में अगर आप रिजाइन करते हैं ज्वाइन करने के बाद में। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट मत कीजिए अपने कॉलेज में, क्योंकि क्या है ना, काफी सारे स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं, उनके चॉइस के कॉलेज अभी ऐड नहीं हुए। आपने देखा होगा काफी सारे अभी कॉलेज जो है ऐड नहीं हुए, जैसे दिल्ली की बात करूँ टिबिया कॉलेज वगैरह, ये अभी नहीं आए, ठीक है। और भी बहुत अच्छे कॉलेज जो है अभी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मे बी कि उनको परमिशन मिल जाए मोपो राउंड से पहले और वो मोपो राउंड से पार्टिसिपेट करने लगे। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मतलब मैं मोपो राउंड में इन कॉलेजेस के साथ पार्टिसिपेट करूं, तो आप फ्री एग्जिट का ऑप्शन अपना सकते हैं या फिर अपग्रेडेशन का ऑप्शन अपना सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप सीट लेने के बाद में रिजाइन करते हैं तो फिर आपको फ्रेशली वापस अप्लाई करना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी के साथ में, है ना। तो फ्री एग्जिट के लिए आपको ज्वाइन नहीं करना है, आप सिंपली नॉन रिपोर्ट रहिए, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेडेशन कराऊं, तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके पास मोपो राउंड के लिए है, आप वो भी आप जाकर के रिपोर्ट करके वो विलिंगनेस वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एफएक्यूज में ये सब कुछ क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
फ्री एग्जिट इफ नॉट ज्वाइन, ठीक है, नो फ्री एग्जिट इफ ज्वाइन, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप वहां पर फ्री एग्जिट नहीं ले सकते, अगर आप उसके बाद में छोड़ते हैं एग्जिट लेते हैं तो आपको फॉरफिट करना पड़ेगा अपना मनी, ठीक है। और वो भी यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, कब आप फॉरफिट करेंगे, कब आप रिजाइन कर सकते हैं, अगर आप मोप अराउंड होने से पहले, शुरू होने से पहले 3 दिन पहले तक अगर आप छोड़ देते हैं सीट, तभी आपको ये माना, आपको रिजाइन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। यानी कि मोप अराउंड मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है जिस भी डेट को, उसके 3 दिन पहले अगर आप सीट छोड़ दें तब तो आपको सीट छोड़ने देंगे और अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने नहीं छोड़ी सीट, तो आपको सिंपली ज्वाइंट कैंडिडेट मान करके आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि आप अपने सीट जो मिली है आपको उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, आप इसका ध्यान रखें, ये थोड़ा नियम है जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, जिसको मैंने आपको समझाया, इन चीज़ों का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है। आगे का शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया है, आपको सिंपली जिन भी कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है वो 9 से 17 दिसंबर के बीच में रिपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट और फीस के साथ में, ठीक है। इसके बाद में मॉप अराउंड होगा, उसके बाद में अलग से चर्चा करूंगा। अभी आपको सिंपली मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है, इसके कंप्लीट एक डिटेल में वीडियो आने वाला है कट ऑफ के बारे में, कि बीएमएस का क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है, बीएचएमएस का क्या कट ऑफ रहा है, बीओएमएस और बीएसएमएस का क्या कट ऑफ रहा है, साथ ही सभी इंस्टीट्यूट वाइज मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड की क्या कट ऑफ रही है, ठीक है, डीम की क्या कट ऑफ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट की कट ऑफ रही है, डिटेल में एनालिसिस आ जाएगा कट ऑफ का। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप उस वीडियो को जरूर से देखें, और आगे मैं इसी चैनल के माध्यम से और अपने वीडियोज के माध्यम से बताता रहूंगा कि मॉपर राउंड में क्या एक्सपायरी कट ऑफ रही है, आगे क्या नियम बदलते हैं, तो वो भी मैं आपकी जानकारी देता रहूंगा, ठीक है। और सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग, WCCC काउंसलिंग रिगार्डिंग, स्टेट कोटा की रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए, सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन, तब तक लिए जय हिंद, टेक केयर।